हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम बात कर रहे थे राजस्थान की सीमाओं में, राजस्थान की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम इसे आगे की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की सीमा का एक क्विक रिवीजन करें कि राजस्थान की जो सीमा है वो स्थलीय ही सीमा है, यहाँ जलीय सीमा नहीं है। न्यूनतम जल राशि जो समुद्र की है वह लगभग 400 किलोमीटर दूर है, तो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। फिर इस स्थलीय सीमा का हम विभाजन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें सबको पता है सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, और यह है 1070 किलोमीटर, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा अन्य राज्यों के साथ मिलकर बनती है। इसमें 5 राज्य आते हैं। यह है 4850 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने कहा था इन दोनों का कंपैरिजन ध्यान रखना है कि प्रतिशत के रूप में कौन कितना है और कौन किससे कितना गुना बड़ा है। जैसे 1070 5920 का कितना प्रतिशत है, यह सवाल इस तरह से आए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है, इस बात का ध्यान रखना है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल अंतर्राज्यीय सीमा का कितना प्रतिशत है। फिर इसके बाद आगे बात की थी इनका विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है, जिसे हमने रेड क्लिफ लाइन कहा था पिछले लेक्चर में। और रेड क्लिफ लाइन की खास बात कि ये 4 ज़िलों से गुजर रही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर मैंने कहा था कि ये जैसलमेर में 464 किलोमीटर लंबी है, मतलब राजस्थान का ऐसा ज़िला जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लगभग 44% भाग बनाता है वह है जैसलमेर। 44% काफ़ी होता है। इसके बाद हमने आगे बात की थी कि यहाँ पे भी कंपैरिजन आ सकता है कि कौन सा ज़िला, जैसे बीकानेर की बात करें तो केवल 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो ये कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़ों में घुमा के पूछा जा सकता है। बस आपको अगर मेन डेटा याद है तो आप किसी भी तरह के सवाल को हल कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि यह श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है, और हिंदू मलकोट और अंतिम स्थान शाहगढ़। अब इसमें 4 ज़िले हैं। अब आगे की बात करते हैं कि पाकिस्तान की साइड से कौन कौन से ज़िले हैं, कौन सा ज़िला सबसे नज़दीक है, कौन सा ज़िला सबसे दूर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इतना भाग पर्याप्त है। यहाँ पे पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, कल बात की थी हमने। यहाँ पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत, या 2 राज्य हैं। अब इन 2 राज्यों के यहाँ पे 3 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, जिनके नाम हैं बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास। तो यहाँ लिख देते हैं इनके नाम। बहावलपुर, इनका देखिए नाम से ज़्यादा इनका क्रम इम्पोर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण की ओर। हालांकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से कम चांसेस रहते हैं पूछने के, राजस्थान की तरफ से अधिक चांस रहते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर भी इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 ज़िले, 2 प्रांत। अब इसमें एक बात आती है कि जो बहावलपुर है, पंजाब प्रांत में स्थित है, यह राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है एवं राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थित ज़िलों में सबसे नज़दीक है। मतलब यह ऐसा ज़िला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि राजस्थान की ओर से ऐसा ज़िला था जैसलमेर। तो पाकिस्तान की तरफ से ये ज़िला है बहावलपुर।
तो खास बात सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा तथा सबसे निकटतम। अब यही बात अगर खैरपुर के संदर्भ में करें तो खैरपुर की बात यह है कि ये सबसे दूर स्थित है, सुदूरतम। और मीरपुर खास की बात करें तो यह राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसमें चार फैक्ट आ गए। सबसे अधिक सीमा कौन सा बनाता है, सर्वाधिक दूर कौन सा स्थित है, निकटतम कौन सा स्थित है, सबसे छोटी सीमा किसकी है। तो इस तरह के प्रश्नों का ध्यान रखना है। अब यही बात हम करते हैं राजस्थान की ओर से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है कि श्रीगंगानगर जो ज़िला है यहाँ पर, तो श्रीगंगानगर जो ज़िला है वो सर्वाधिक श्रीगंगानगर ज़िले की खास बात यह है कि ये 210 किलोमीटर की लंबाई बनाता है और सर्वाधिक समीप स्थित है, सर्वाधिक समीप। और इसके नीचे जो बीकानेर ज़िला है वो सर्वाधिक दूर स्थित है। इसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर की खास बात, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। बाड़मेर सबसे दक्षिणतम है, बीकानेर सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। न्यूनतम, अधिकतम, निकटतम और सुदूरतम। तो इन बातों को ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में। तो चलिए, ये हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। राजस्थान वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन को याद रखना है, ये याद रखना है ये कोई भौगोलिक सीमा रेखा नहीं है, ये सिर्फ कागज़ पे पेंसिल से खींची गई सीमा रेखा है, 17 अगस्त को खींची गई थी। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, हालांकि भारत के भूगोल में पढ़ेंगे कि ये जो सीमा है ये कुल 3310 किलोमीटर है, मतलब रेडक्लिफ लाइन 3310 किलोमीटर लंबी है और ये चार राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थित है, J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो है 1070 किलोमीटर। तो ये सवाल यहाँ आ सकता है कि राजस्थान कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो देखने में पता लगता है, जाहिर सी बात है, लगभग 33% भाग वस्थित है राजस्थान में। और इसमें सबसे लंबी सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर और सबसे छोटी बनाता है गुजरात। तो चलिए, ये सभी बात हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्नों की दृष्टि से। देखते हैं यहाँ पे किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये 4850 किलोमीटर में अवस्थित है और पांच राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इन पांच राज्यों के नाम, सबसे पहले सबसे लंबी सीमा बनाने वाला MP,
1600 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा, किलोमीटर, फिर गुजरात 1022 किलोमीटर, इसके बाद यूपी 877 किलोमीटर, और इसके बाद पंजाब 89 किलोमीटर। तो वही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है परसेंटेज के हिसाब से प्रश्नों को घुमा के, कि कुल अंतरराज्यीय सीमा है जो 4850, इसमें एमपी कितनी प्रतिशत सीमा बनाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 33% भाग बनाता है एमपी, और न्यूनतम जो है 89 किलोमीटर की सीमा। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि पंजाब कुल अंतर्राज्यीय सीमा का कितने प्रतिशत भाग बनाता है। तो इस तरह से ज़रूर ध्यान देना है, हर आंकड़े को घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। ये क्रम है लंबाई के अनुसार, एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी, पंजाब। अब हम बात करेंगे इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो देख लिया, अब इनके साथ लगने वाले ज़िले कौन से हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब नामों लिखना शुरू करते हैं। हमें पता है सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद है हरियाणा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, फिर है यूपी, फिर है एमपी, और फिर है गुजरात। लंबाइयाँ हम देख ही चुके हैं, अब देख लेते हैं इनके साथ स्पर्श करने वाले राजस्थान के ज़िले। देखिए ज़िलों के बारे में दो बातें हैं, ज़िले इन राज्यों के भी स्पर्श करते हैं और राजस्थान के भी स्पर्श करते हैं, पर आपके 90% चांस हैं कि सिर्फ राजस्थान के ज़िले पूछे जाएंगे कि राजस्थान का कौन सा ज़िला स्पर्श करता है। पंजाब के कौन से स्पर्श करते हैं ये राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, हालांकि इनको कर किताबों में दे रखा है और आप कर भी सकते हैं, परंतु हमें मेन फोकस ये रखना है कि राजस्थान के कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं, क्योंकि राजस्थान के एग्ज़ाम में इसी तरह की बातें पूछी जाएंगी। तो देखते हैं पहले पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ सबसे पहले यहाँ पर दो ज़िले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। फिर इसके बाद हरियाणा के बाद बात करते हैं। तो देखिए हरियाणा में हनुमानगढ़ से ही प्रारंभ हो जाता है और इसके नीचे आते हैं चूरू, चूरू के बाद आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है सीकर, सीकर के बाद आता है जयपुर, जयपुर के बाद आता है अलवर, और अलवर के बाद आता है भरतपुर। तो हनुमानगढ़ से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 ज़िले हैं ये स्पर्श करते हैं हरियाणा को, जिसमें हनुमानगढ़ दोनों को स्पर्श कर रहा है। तो ये बात हुई कॉमन। फिर इसके बाद हम आते हैं यूपी के लिए। तो यूपी में देखते हैं कि दो ज़िले स्पर्श करते हैं, भरतपुर
यहाँ पे लिख चुके हैं, और धौलपुर। इसके बाद हम आते हैं सर्वाधिक जिलों वाले राज्य से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी 10 ज़िले स्पर्श करते हैं। तो देखिए इन 10 ज़िलों के नाम, धौलपुर तक है, धौलपुर से ही शुरू हो जाता है। धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद बारां, फिर झालावाड़, झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, या पहले लिख देते हैं भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। तो यहाँ पे इन जिलों को वापस देखते हैं हम कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 जिले। देखिए ये क्रम में याद रखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न आता है वो उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने को कह सकता है। इस तरह के प्रश्न भी आए नहीं हैं, परंतु ये क्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिलों को ट्रिक से याद करोगे तो आप क्रम याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक्स तो सुविधा के लिए बनाई जाती है, पर मैप को देखकर अगर याद करोगे तो आपको ज़रूर क्रम याद हो जाएगा। और क्रम ही एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है कि इसे उत्तर से दक्षिण पूछे या दक्षिण से उत्तर पूछे कि मध्य प्रदेश से स्पर्श करने वाले जिलों का क्रम क्या है। तो आपको बार बार कह रहा हूँ क्रम इम्पोर्टेंट है, इसलिए ट्रिक भी बनाएं तो क्रम के अनुसार ही बनाएं। किताबों में लिखी हुई ट्रिक का यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो क्रम के अनुसार नहीं होती तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है याद हुए बाद भी। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात को हमें पता है कि ये शुरू हो रहा है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के बाद यहाँ पर अगला जो जिला स्पर्श करेगा वो है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालोर, और अंत में बाड़मेर। तो ये हो गए गुजरात के साथ स्पर्श करने वाले जिले, इनकी संख्या हो गई 6। यूपी के साथ 2, हरियाणा के साथ 7, पंजाब के साथ 2। इसी क्रम में याद रखिएगा, क्रम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए ये तो थी एक बेसिक सी बात कौन से जिले स्पर्श करते हैं, पर यहाँ देखिए एक विशेष बात बताएं आपको कि कोटा की स्थिति इस तरह से है कि ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। पहली सीमा बनाता है ये सवाई माधोपुर के नीचे से, और दूसरी सीमा बनाता है ये झालावाड़ के ऊपर से। तो कोटा अगर आप मैप में देखेंगे तो ये 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरह के प्रश्नों का भी ध्यान रखिएगा। अगली बात, भीलवाड़ा में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको याद रखने में, क्योंकि भीलवाड़ा की स्थिति लगभग मध्य में है, फिर भी एक इसका पार्ट निकल कर छोटा सा टच होता है मध्य प्रदेश के। और चित्तौड़गढ़ का तो आप जानते ही हैं कि चित्तौड़गढ़
दो पार्ट में विभाजित है, रावत भाटा और चित्तौड़गढ़, तो ये भी दो बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो ऐसे दो जिले हैं जो दो दो बार मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है। इसके बाद अब जो सवाल आने शुरू होंगे, उन सवालों को देखिए किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने ये मैप है, तो आप अब इसमें बताइए कि ऐसे कितने ज़िले हो सकते हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखा था हमने हनुमानगढ़ को, यहाँ पे देखा था भरतपुर को, फिर देखिए धौलपुर को, उसके बाद हमने देखा बांसवाड़ा को। तो ये ऐसे ज़िले हैं चार जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनके यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लिखते रहिए। तो पहला है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ कौन से के साथ बनाता है? पंजाब और हरियाणा। उसके बाद है भरतपुर। भरतपुर सीमा बनाता है यूपी और हरियाणा। इसके बाद है धौलपुर। धौलपुर बनाता है यूपी और एमपी के साथ। और इसके बाद है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा बनाता है एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगली बात कि हमने देखा कि कोटा और चित्तौड़गढ़ की बात की, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डालें कि कोटा राजस्थान का वह ज़िला है जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है परंतु अविखंडित है। अविखंडित मतलब ये दो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है जिस तरह से चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में जब प्रश्न बनेगा तो वो थोड़ा और ट्विस्टेड हो जाएगा कि वह जिला जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है परंतु विखंडित है। तो इस तरह की बातों को भी ध्यान रखना है। अब इसे विखंडित करता कौन है? तो मैंने आपको बताया विखंडित करने वाला इसको है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसको विखंडित करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतर राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, देखिए इस प्रश्न को समझिए। सबसे लंबी अंतर राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आप बता देंगे जैसलमेर, परंतु अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा देखिए यहाँ पर हमारा झालावाड़ जिला बनाता है। तो इसका विपरीत प्रश्न भी आता है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला है बाड़मेर गुजरात के साथ। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा बाड़मेर। इन बातों को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये बात हुई इतनी। अब इसमें से संख्या के ऊपर किस तरह से प्रश्न आएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कितने ज़िले सीमावर्ती हैं, तो
तो सीमावर्ती जिलों को गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीमावर्ती जिले मतलब जो सीमा पर स्थित हैं, इस तरह से। तो आप इनकी संख्या गिनकर ये बात लगा सकते हैं। तो देखिए, इन जिलों की संख्या आएगी आपकी 25। 25 जिले राजस्थान में सीमावर्ती हैं। अब ये सीमावर्ती में ये नहीं कहा है कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों का टोटल। तो ऐसे जिले हो गए 25, इनको गिन भी सकते हो आप यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इन 25 का विभाजन करोगे तो आपके सामने आंकड़ा आ जाएगा कि 25 जिले हैं, इसमें से जो 23 हैं वो तो हैं अंतर राज्यीय वाले, जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ आएगा जैसलमेर, जैसलमेर भी सीमावर्ती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके बाद आएगा बीकानेर, बीकानेर भी सीमावर्ती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है। तो इन 23 में अगर आप इन दो की संख्या जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो 25 जिले सीमावर्ती हैं, तो दो अंतर्राष्ट्रीय और 23 अंतर्राज्यीय। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगले बात आती है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते, मतलब ना तो अंतर्राज्यीय और ना अंतर्राष्ट्रीय। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है कि आप कुल 33 जिलों में से इन 25 जिलों को निकाल दीजिए तो आपके पास जिले बचेंगे 8, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और जो ना अंतर राज्यीय सीमा बनाएंगे। तो इस पूरे डेटा को एक बार हम अलग तरीके से देख लेते हैं। कुल जिले है हमारे पास 33। 33 का हम विभाजन करते हैं, 25 जिले हैं सीमावर्ती, जो सीमा पर अवस्थित हैं, और अभी देखा हमने शेष 8 जिले हैं, इनको देखिए एक शब्द दिया गया अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय या लैंडलॉक। अंतःस्थलीय है जो किसी भी सीमा को नहीं बना पा रहे, लैंडलॉक नहीं कहेंगे, अंतःस्थलीय शब्द सही है, अंतःस्थलीय जो कोई भी सीमा नहीं बना रहे। फिर इसका आगे विभाजन करते हैं हम 25 का। तो 25 में से देखिए 23 तो हैं अंतर राज्य, और दो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से जिला है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। तो ऐसे कितने जिले हैं? ऐसे जिले हैं हमारे पास दो, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। या पूछा जा सकता है ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो देखिए, ये तो बनाया इन्होंने केवल अंतर राष्ट्रीय सीमा को। इसके बाद ऐसे कितने जिले हैं जो, इसको इस तरह से देख लेते हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाएंगे और अंतर राष्ट्रीय सीमा भी बनाएंगे? तो ये भी हैं आपके पास दो। इनके नाम लिखते चलिए यहाँ पे। ये तो थे जैसलमेर और बीकानेर, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय है, और दो हैं श्रीगंगानगर
और बाड़मेर, इनकी खास बात क्या है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय। श्रीगंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है ही पाकिस्तान के साथ। इसी तरह से बाड़मेर जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाक के साथ। तो इस तरह की बातों को भी ध्यान रखना है। फिर इन 8 जिलों के नाम देख लेते हैं जो किसी के साथ भी यहाँ सीमा नहीं बनाते। इनके नाम जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। तो ये ऐसे ज़िले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतर राज्य। चलिए, इसमें बाकी बात हम कल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।